चलो आप जल्दी से खाना बना दें क्योंकि खाना के लिए देरी हो रही है। आओ किचन में चलते हैं खाना बनाने के लिए। गर्मी पड़ गई इतनी तेज धूप ही, जब कपड़े हम डालने गए फिर हमने अपने बच्चे से कहा कि बेटा आप कपड़े ले जाओ, बेटा हमसे धूप में जाया नहीं जाएगा क्योंकि अभी तबीयत भी खराब रही है। फिर हमने अपने छोटे वाले बच्चे से कहा कि कपड़े ले के आओ बेटा, जिससे कि वो कोल्ड हो जाए और उनको वहीं रख दें घर ही करके। आज तो खैर कोई कपड़े ज्यादा नहीं निकले, आज तो थोड़े से ही निकले हैं। अभी इतने हमको मशीन लगाना है, उसमें कपड़े उठाएंगे ज्यादा। अभी क्या है ना, न्यू है, थोड़ा बोलने में भी हल्का हिचकिचाते हैं और काम भी हो जाता है ज़्यादा अकेले, और थोड़ी अभी तबीयत भी ख़राब रही है ज़्यादा। इस थोड़ी सी साइज से वॉशरूम का गेट खुला रह गया है हमसे ही, अभी ऐसे भी बंद कर दें। और अभी हम थोड़ा सा काम और डला था, बच्चा बड़ा वाला स्कूल से आया, वो वाले बर्तन वर्तन साफ़ किए, फिर उनको सबको सेट किया, मलाई भी खट्टी हो गई थी उसको भी जमाई, और सुबह बच्चों के लिए नाश्ता वगैरह सब कुछ किया। फिर उसके बाद खाना आना, तो थकावट तो अभी हो जाती है क्योंकि अभी हमको वीकनेस रहती है, थक भी जाते हैं, तो थोड़ा बच्चों का भी सहारा लेना पड़ता है। और आप अगर हमसे कोई कमी हो रही है बोलने में, बोलने वगैरह में किसी में भी कोई कमी हो रही है, तो आप प्लीज़ उसको अभी इतना ध्यान में नहीं रखें क्योंकि मैं अभी नई आई हूँ यूट्यूब पे, थोड़ा बोलने में भी दिक्कत हो जाती है, कुछ बोलते कुछ निकल भी जाता है यार, लेकिन आगे से धीरे धीरे सब कुछ सीख जाएंगे। और लेकिन मुझे आपके अभी व्यूज तो मेरे लिए अच्छे आ रहे हैं लेकिन थोड़े सब्सक्राइब कम हैं, प्लीज़ आप मेरा सपोर्ट कीजिए, मुझे सब्सक्राइब की भी ज़रूरत है बहुत, आप सब्सक्राइब करो प्लीज़, और तो मुझे और अच्छा लगेगा क्योंकि वैसे मेरा दो ही अभी ब्लॉग गए हैं, एक तो मेरा इंट्रोडक्शन वाला गया था और एक हमारा और एक हमारा गया था वो किचन टूर का, जो ज़्यादा बड़ा नहीं था, थोड़ा सा ही दिया था, छोटा ही ब्लॉग बनाया था, तो वो गया मेरा, तो उसमें भी हाँ व्यूज तो ठीक आ रहे हैं, लेकिन उसमें अभी थोड़ा उसमें सब्सक्राइब कम आ रहे हैं। प्लीज़ आप सब्सक्राइब भी मुझे देना और अपना प्यार देना, और दिल से अपना प्यार मुझे देना। और मैं वैसे पहले से बहुत ठीक हूँ और आप लोग भी ठीक होंगे, भगवान की कृपा आप पे भी रहे और मुझ पे भी रहे। और आज मेरा ब्लॉग बस इतना ही रहेगा, और धन्यवाद।